बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार मां की भक्ति जेल में ही कर रहे हैं। 5 साल की सजा मुकर्रर होने के बाद लालू इन दिनों रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। जेल में सजा काटने के बाद भी लालू की भक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लालू जेल में ही मां शेरावाली की आराधना और उपवास रख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जितना अंदाज निराला है उतना ही उनकी भक्ति। बड़े धूमधाम से मनाते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कोई भी त्योहार। नवरात्र की पूजा तो लालू बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लेकिन उनके जोशों में कोई कमी नहीं आई है। भले ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जेल में ही उपवास रखकर नवरात्रि की पूजा करने में जुटे हैं। 17 साल पुराने चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनकर लालू भले ही बेहद निराश हो उठे थे, उनका चेहरा मुरझा सा गया था, लेकिन नवरात्र में मां की भक्ति में इस कदर आरजेडी सुप्रीमो डूब चुके हैं कि मानो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। नवरात्र के लिए लालू यादव ने 2 दिन पहले से ही पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके लिए लालू ने जेल प्रशासन से पूजा की सामग्रियां उपलब्ध कराने की मांग की थी और जेल प्रशासन ने भी लालू की इस मांग को पूरा करते हुए उन्हें मां की मूर्ति, एक तांबे का बर्तन, अगरबत्ती, एक डब्बा घी, एक पीतल का दिया और दुर्गा सप्तशती की किताब उपलब्ध कराई है। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन ने पूरे 9 दिनों तक उनके खान पान का भी ख्याल रख रही है। वहीं उनके समर्थकों ने भी अपने नेता के लिए कई सामान उपलब्ध कराए हैं। जबकि लालू यादव नवरात्र के पूजा के साथ जेल में सौंपे गए पढ़ाने लिखाने का काम भी बखूबी निभा रहे हैं, जिसके लिए रोज उन्हें 25 रुपए मिलते हैं। हालांकि लालू का परिवार सोमवार को हाईकोर्ट में सीबीआई के फैसले के खिलाफ अपील करने वाली है।